Assalamualaikum, वेलकम टू किचन विद आमना डॉट कॉम। मैं हूँ आमना और आप देख रहे हैं किचन विद आमना यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बन रहा है मैंगो कुल्फा और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। चार मैंगो लिए मैंने जिनकी मैंने प्यूरी बना ली है, तकरीबन ये आधा किलो मैंगो की प्यूरी है। एक लीटर दूध लिया है, एक कप चीनी ली है, 200 ml का एक पैकेट क्रीम का लिया है, एक कप खोया लिया है, होममेड खोया है जो मैंने आपको मिल्क पाउडर से बनाना सिखाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। कॉर्नफ्लावर लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, येलो कलर लिया है जिसे जर्दे का रंग कहते हैं, तकरीबन 1/4 स्पून। पिस्ता लिए हैं कटे हुए 1 टेबल स्पून। इलायची पाउडर लिए है मैंने 1/2 टीस्पून। तो एक बर्तन लेंगे, उसमें ये दूध डाल देंगे और थोड़ा सा दूध बचा लेंगे कॉर्नफ्लावर को मिक्स करने के लिए और येलो कलर को। लेमन करेंगे और दूध को अच्छी तरह बॉयल आने देंगे तकरीबन 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे। दूध में बॉयल आ गया, फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे और इसमें डालेंगे चीनी, मिक्स करेंगे और चीनी डाल के इसे हम पकाएंगे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे और चम्मच हम साथ साथ चलाते जाएंगे। चीनी डालने के बाद भी अच्छे से बॉयल आ गया। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर, कटे हुए पिस्ता, मिक्स करेंगे और कॉर्नफ्लावर और जर्दे को रंग को हम मिक्स करके इसमें डाल देंगे। कॉर्नफ्लावर में येलो कलर ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे और इसमें दूध ऐड कर देंगे। जो बचा हुआ दूध था वो हमने इसमें डाला है, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अच्छे से मिक्स हो गए, इसे दूध में ऐड कर देंगे और मिक्स करते जाएंगे साथ साथ। तो ये सारा हमने इसमें डाल दिया, अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया और साथ ही हम इसमें डाल देंगे खोया, मिक्स करेंगे। जैसे ही खोया मेल्ट होगा हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अभी मैंने फ्लेम थोड़ा मीडियम टू लो रखी हुई है, चम्मच चला चला के मैं इसे मेल्ट कर रही हूँ। खोया अच्छे से मिक्स हो गया, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे साइड पे। चम्मच हम इसलिए चला रहे हैं कि ये जल्दी ठंडा हो, जैसे ही अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें मैंगो और क्रीम ऐड कर देंगे। गरम गरम में हमने इसमें मैंगो और क्रीम नहीं डालनी, वरना आपकी जो मैंगो कुल्फा होगा वो ख़राब हो जाएगा। अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, मिक्स करना है इसे। अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो रहा तो आप इसे हैंड विक्स से कर सकते हैं, इसे जल्दी हो जाएगा। तो ये मिक्स हो गया, देखें जल्दी हो गया। अब इसमें मैंगो प्यूरी डाल देंगे, मिक्स करेंगे। तो ये अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब एक एयर टाइट बॉक्स लेंगे, उसमें ये कुल्फा डाल देंगे। अब इसे कवर कर देंगे अब इसे हम रख देंगे फ्रीजर में एक दिन के लिए। एक दिन के बाद हमारा मैंगो कुल्फा बनके तैयार हो जाएगा। एक दिन हो चुका है, कुल्फा हमारा तैयार है, अब इसे हम निकाल लेंगे। इसे हम डिश में निकालेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे।
और गार्निश करेंगे कटे हुए पिस्ता की। तो तैयार है हमारा बहुत ही मज़े का ठंडा ठंडा सा मैंगो कुल्फा। तो कुल्फा तैयार है, मैं इसे टेस्ट करके बताऊंगी कैसा बना है। बहुत ही मज़े का और बहुत ही अच्छा कुल्फा बना है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इस बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि उससे आने वाली मेरी हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अल्लाह हाफिज़।